All right, students, so we are back with the institutes of importance other than IITs with series 4, and in this particular video we are going to cover IIST, Indian Institute of Space Science and Technology, one of the most premier colleges in the country dedicated to space research. I am sure that many of you would have now at least got to know what is IIST because of this one particular thing, that is ISRO, right? So this is basically an institute, Indian Institute of Space Science and Technology, is focused on space research. ठीक है, हम सब लोगों ने इसरो का बहुत पढ़ा है, इसरो बहुत न्यूज़ में रहा है, और इनफैक्ट इसरो इंडिया में न्यूज़ में नहीं है, सिर्फ वर्ल्ड वाइड न्यूज़ में है. जैसे मैंने एक क्लिपिंग उठा रखी, 68 सैटेलाइट्स इन वन मिशन, शायद इसरो ने 100 से ज़्यादा भेजे थे, ये पुराना उनका टारगेट था, बट दे डिड इट सक्सेसफुली, चीपेस्ट and one of the best technology they used worldwide. So in fact, हम सब लोग पहले NASA चिल्लाते थे, इस समय NASA बहुत actively follow कर रहा है what ISRO is doing, which is a huge thing for Indian engineering and you know research based activities. Coming to IIST, it is affiliated to DOS. DOS क्या है? Department of Science and ISRO. So इन दोनों की मदद से ही ये institute चलता है, ये दोनों ने ही setup करा था, तो pure government body है IIST. And obviously, as they have already specified that it is an institute which will definitely focus on space research only. ठीक है, तो ये आप इसको बिल्कुल confuse ना करें अपने एक normal engineering program से. ये इंजीनियरिंग प्रोग्राम तो जरूर है, बट ओनली डेडिकेटेड टू स्पेस रिसर्च, जैसे कि मैं आगे चलते चलते और क्लियर करूंगा. इसका एक ही कैंपस है जो थिरुवनंतापुरम में है, केरल में. ठीक है, ये वहां से स्टार्ट हुआ था 2007 ईयर में, एंड इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता है. वो रीजन ये है क्योंकि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो सिर्फ काम पर फोकस करता है, ये हल्लेबाजी पे विश्वास नहीं करता. दे डू नॉट कीप मेकिंग हाइप ऑफ देमसेल्स. जो एक स्टेटमेंट होती है ना, Make your work speak for yourself. This is one of those institutes in India जो promote नहीं करते. ये media की problem है, students या आप लोगों की problem नहीं है. Media should actually highlight institutes like this which will take India to generations ahead. And more importantly, Abdul Kalam, our favorite scientist and former president of India, was the chancellor of IIST. He promoted in fact IIST to a big event. सच दैट, और उनमें आपको पता ही होगा कि इसरो में उनका बहुत बड़ा रोल रहा है. कमिंग अगेन बैक टू आर इम्पॉर्टेंट स्टफ, इट गिव टू काइंड ऑफ कोर्सेज, बीटेक एंड डुअल डिग्री. बीटेक दो तरीके के हैं यहाँ पर, एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड एवियोनिक्स. ठीक है, बोथ रिलेटेड टू स्पेस एंड साइंस. यहाँ पर स्पेस की बात आ रही है, स्पेस एक्सप्लोरेशन की, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ आप एरोस्पेस और एवियोनिक्स की बात करेंगे. ये दोनों ही फील्ड्स हैं, और बीटेक में आपको मास्टर्स ऑफ साइंस की डिग्री मिलती है और मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो दिस जो ये 5 ईयर डुअल कोर्स है, इसमें बीटेक की डिग्री आपको इन दोनों में नहीं मिलती है. नोट करा जाए दैट यू गेट इन इंजीनियरिंग फिजिक्स. ठीक है, एंड देन यू कैन हैव एनी ऑफ द फॉलोइंग. सो ये वेबसाइट पर उनकी मैंशन है कि इसके बाद मास्टर्स आप किस में ले सकते हैं. तो ये एक 5 ईयर डिग्री प्रोग्राम होता है. ठीक है, सो इसमें जो प्रोफाइल होती है, इफ आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव सीन एनी स्काईफाई मूवी जो यूएस में बनती है, जो दिखाते हैं ना कि एक्सप्लोरेशन करते हैं लोग, कैलकुलेशन करते हैं मून पे कैसे पहुंचा जाएगा, मार्स पे कैसे पहुंचा जाएगा. यू आर गोइंग टू एक्चुअली वर्क ऑन दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इफ यू आर इनटू आईएसटी एंड देन गो ऑन टू वर्क फॉर इसरो. सो बहुत बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, बस हम लोगों को बताया नहीं जाता, ये प्रॉब्लम है. हम सब लोग प्लेसमेंट प्लेसमेंट के पीछे भाग रहे हैं, और काम हमें देखा जाए प्लेसमेंट के बाद कोई भी कंपनी अच्छा कराती नहीं है. बट देयर इज वन थिंग वेयर यू विल लव टू वर्क ऑन. ठीक है, कमिंग बैक, और ये हो सकता है मैं बहुत खुश हो रहा हूँ इस बात को सुनकर, ये सबका पर्सनल पर्सपेक्टिव है, बट बचपन से सबका एक मुद्दा रहता है कि यार हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन करनी है. तो ये उन लोगों के लिए द बेस्ट इंस्टीट्यूट अवेलेबल इन इंडिया. एरोस्पेस 60 सीट्स, एवियोनिक्स 60 सीट्स, और डुअल डिग्री 20 सीट्स. सो ये कोटा है, देखा जाए तो सिर्फ 140 सीटें ही बनती हैं, ओनली 140 सीट. सो हाईली सिलेक्टिव इंस्टीट्यूट, ऐसा नहीं है कि आपकी सिलेक्शन हो ही जाएगी, तो बहुत सिलेक्टिव इंस्टीट्यूट है. दे टेक ओनली 140 स्टूडेंट्स इन एन ईयर, जहाँ पर ऑब्वियसली बात है रिजर्वेशन एज पर इंडियन गवर्नमेंट नॉर्म्स चलता ही चलता है, कि शेड्यूल कास्ट 15, शेड्यूल ट्राइब 7.5, OBC 27 एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी 3%. तो ये जो नॉर्मल गवर्नमेंट का कोटा है, ये तो यहाँ पर चल ही रहा है, जो कि मिल मिला के 50 समथिंग बन जाएगा. एलिजिबिलिटी अगेन, मैंने जो यहाँ पर मेंशन करा है, दिस इज ओनली विद रिस्पेक्ट टू द जनरल कैटेगरी.
राइट, दिस इज फॉर जनरल कैटेगरी। वेबसाइट पे जाके आप लोग एससी और एसटी की कैटेगरीज देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर जनरल यू हैव टू बी बॉर्न ऑन आफ्टर 1993। एसटीज के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा रिलैक्सेशन दिया है, वो है 98 तक का भी काम चलेगा यहाँ पर, ठीक है। इतना इतना वहाँ पर रिलैक्सेशन मिल रहा है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, कमिंग बैक अगेन, सो कौन कौन से एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हैं आप लोग? एटलीस्ट 75% मार्क्स शुड बी देयर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। बोर्ड एग्जामिनेशंस वो जरूरी नहीं है, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड्स कुड ऑल्सो बी देयर, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पीसीएम देना जरूरी है प्लस अ लैंग्वेज, ठीक है, जैसे इंग्लिश, हिंदी और योर लोकल लैंग्वेज प्लस फिफ्थ सब्जेक्ट। जिस तरीके से हम बोर्ड्स को वी कैलकुलेट बोर्ड्स, द वे वी कैलकुलेट द बोर्ड परसेंटेज, द फिफ्थ सब्जेक्ट कुड बी एनी, राइट, इट कुड बी एनी फिफ्थ सब्जेक्ट, सो दैट इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। यू हैव टू सिक्योर 75% मार्क्स इन देम, बट लीव इन कीप इन माइंड दैट पीसीएम इज अ मस्ट प्लस अ लैंग्वेज इज अ मस्ट। ऑल राइट, सो सिलेक्शन की तीसरी कंडीशन है कि आपको जेई एडवांस के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एलिजिबल होना पड़ेगा। तो जेई एडवांस के लिए एलिजिबिलिटी के लिए ऑब्वियसली क्राइटेरिया क्या है कि वो आप जेई मेन्स दोगे, जेई मेन्स के बाद जो पूल बनता है 1.5 लाख का या टॉप 20% का, देन यू हैव टू बी एलिजिबल फॉर जेई एडवांस। एंड इन दैट ऑल्सो यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 20% ओवरऑल मार्क्स इन जेई एडवांस एंड एटलीस्ट 5% मार्क्स इन ईच ऑफ दी सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। सो तीनों सब्जेक्ट्स में मिला के 20% मिनिमम एंड इन इंडिविजुअल, सो इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ। सो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं दैट देर इज सब्जेक्ट कट ऑफ, तो सब्जेक्ट कट ऑफ जाएगी 5%, जो कि ज़्यादा बड़ी नहीं है बट एलिजिबिलिटी के लिए बहुत अच्छी बात है कि दे हैव सेट अ पैराडाइम दैट इसके बिना तो हम एडमिशन लेंगे नहीं, जिससे क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स इज ऑलवेज मेंटेन एट देयर इंस्टीट्यूट। एंड कमिंग टू द मेन टास्क, कि ये तो सिर्फ एलिजिबिलिटी थी। पहले ही बात इसमें क्लियर करें कि पहले आईएएसटी के बड़े सारे पैरामीटर्स थे, तो अगर नेट पे आप पढ़ोगे आईएएसटी ने 2 साल पहले अपना पेपर लिया, ठीक है, दे कंडक्टेड देयर ओन पेपर, ठीक है, फिर वो जेई मेन्स के उस पर गए, ठीक है, देन दे शिफ्टेड टू जेई मेन्स रैंक, ठीक है, और अब वो लास्ट 1-2 साल से किस पे स्टिक हो गए हैं, जेई एडवांस, और इस साल भी जेई एडवांस पे ही रहने का प्लान है, कोई चेंज करने का प्लान नहीं है। नाउ दे हैव फोकस्ड ऑन ओनली जेई एडवांस, ठीक है, क्लियर। सो एडवांस की पिछले साल की अगर हम वो देखें कि क्या रैंकिंग के हिसाब से क्या रहा, तो जो फिगर्स लिखी हैं बड़ी अजीब सी लग रही है, ये परसेंटेज फिगर है, पहली बात परसेंटेज मार्क्स, दीज आर परसेंटेज मार्क्स इन 2017। सो फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग की बात कर लेते हैं, क्लोज मतलब स्टार्ट यहां से हुआ तो धीरे धीरे गिर गिर के ये, फॉर एग्जाम्पल जनरल कैटेगरी में अगर इसको कैलकुलेशन में करके दिखाना हो, जेई एडवांस में 2017, लेट्स पिक 2017, ठीक है, इफ वी पिक 2017 का जो एग्जाम था दैट वॉज 366 मार्क्स पेपर, राइट, तो आपको अगर एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सेलेक्ट होना था तो द लास्ट कट ऑफ वॉज ऑलमोस्ट 54%। तो अगर मैं इसका 54% निकालता हूँ, द 54% फॉर दिस टू बी एलिजिबल टू गेट इन टू दिस वॉज 198 मार्क्स, दैट मीन यू शुड हैव स्कोर्ड 198 मार्क्स इन जेई एडवांस फॉर एरोस्पेस इंजीनियरिंग। सिमिलरली 52 और ये 54 ऑलमोस्ट उतना ही है, और 64% की अगर बात करें तो 60% पे कितना मार्क्स बन रहे थे एडवांस में, 220। सो तुम्हारे कहीं ना कहीं देखा जाए तो 200 नंबर से ऊपर होना चाहिए था एडवांस में, तो ये तो ही मार्क्स ही कंपैरिजन। अगर मैं इसी को रैंक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ दैट व्हाट रैंक्स यू शुड हैव स्कोर्ड, तो रैंक्स में और अलग ड्रामा आ जाएगा। तो अगर मैं कहता हूँ रैंक्स की बात करते हैं, 200 मार्क्स पिछले साल, क्योंकि पिछले साल बड़ा ड्रामा हुआ था कि रैंक्स जितनी प्रिडिक्ट करेगी नहीं उसे बहुत पीछे आई थी, 200 मार्क्स पे यू गॉट समथिंग अराउंड 6200 रैंक, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है बट ऑलमोस्ट नियर अबाउट फिगर है। और अगर मैं 220 की बात करता हूँ, सो 220 पे, 220 मार्क्स पे आपकी तकरीबन रैंक जो आई होगी वो आई होगी 4000। सो दैट वॉज दी बैरियर एक्चुअली, कि अगर आप नोटिस करो अगर आपकी CRL मेरिट रैंक ग्रेटर देन कितनी आनी चाहिए थी, CRL रैंक कितनी हो गई, 4000 से बेटर है तो लोग शायद यहाँ पर गए थे। तो इसलिए टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरी जो रैंक है वो इन इसके आसपास, इन दो फिगर्स के आसपास आनी, दो फिगर्स नहीं कहना चाहिए बट येस डेफिनेटली शुड वेरी अबाउट दिस। सो इन अ वे इसको अगर कट शॉर्ट करें कि अगर आपकी रैंक 6200, बल्कि 6000 ही कर दें,
तो अगर 6000 से ऊपर थी, सो इफ योर सीआरएल इज इन फैक्ट लेस देन 6000, ठीक है, तभी आप एलिजिबल थे आईएएसटी में एडमिशन होने के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. बहुत सारे लोग ऑब्वियसली बात है 6000 पे आईआईटीज ज्वाइन नहीं करते, देन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर फर्दर ऑप्शंस, कि बिट्स पिलानी हो गया, एनएसआईटी डीसी हो गए, और जो अच्छे एनआईटीज हैं वहाँ की वो तरफ चले जाते हैं, प्रोवाइडेड देयर रैंक इज देयर. बट इफ यू आर फोकस्ड टूवर्ड स्पेस, स्पेस इंजीनियरिंग, स्पेस रिसर्च, यू नो एवियोनिक्स, एरोनॉटिक्स, और स्पेस आपको बचपन से बहुत एक्साइट करता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस टू गो फॉर. ओके, थोड़ा और अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, मैं क्यों थोड़ा पॉजिटिव बात करूं, बिकॉज पीपल हैव नॉट गिवन द ड्यू इंपॉर्टेंस टू आईएसटी विच इट शुड बी गिवन. क्यों? क्योंकि मीडिया में प्रमोट नहीं होता है, सीधी सी बात है. मीडिया में क्यों प्रमोट नहीं होता? क्योंकि यहाँ से आपकी 1 करोड़ की सैलरी नहीं लगेगी, ये 1 करोड़ की सैलरी वाली चीज़ें नहीं चल रही हैं, ये सैलरी वाला काम ही नहीं है, ये एक ड्रीम मिशन वाला काम हो रहा है यहाँ पर. सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट, सो स्टूडेंट्स फ्रॉम हेयर गो ऑन इंटर्नशिप्स एंड इवन फर्दर गो फॉर PhDs, फॉर फॉर एग्जाम्पल कैलटेक, उसरा विच इज स्पेस रिसर्च एसोसिएशन इन यूएसए. आप लोगों ने अगर स्काई फाई मूवी सुनी हो तो नासा में सबसे बड़ा सेंटर कहाँ पर है? ह्यूस्टन. तो मून पे जो भी रिसर्च होती है, हर पिक्चर में देखोगे ह्यूस्टन 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 रिपोर्टिंग ह्यूस्टन डेल्फा, तो वहाँ पर भी लोगों ने जाके इंटर्नशिप्स करी हुई हैं. जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी इन यूएसए, रिसर्च इन फाउंडेशन इन कैनेडा. सो पीपल, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट हैव गॉन ऑन टू डू इंटर्नशिप्स इन एट दीज पर्टिकुलर प्लेसेस. सो ऑब्वियसली बहुत वैल्यूएबल काम चल रहा है. कमिंग टू द अदर साइड ऑफ इट, फी पार्ट. सो फी कुछ इस तरीके की है कि आपका पर सेमेस्टर फीस बनता है कुछ तकरीबन 48,000. तो अगर हम इसको 50K भी राउंड ऑफ कर दें, 50K, तो 50K पर सेमेस्टर, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है. पर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कमाल की बात क्या है, आपको एक पैसा नहीं देना. इसे कहते हैं असिस्टेंट, फुल असिस्टेंस. दिस विल बी पेड, दिस 48 वॉट एवर द फिगर इज विल बी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, फॉर मिनिमम. अभी मैं इसकी बात करूंगा, फॉर मिनिमम अगर आपका सीजीपी कितना चल रहा है, 7.5, अमेजिंग स्टफ. अगेन दिस इज समथिंग विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग एट देयर एंड, ठीक है, इसरो और डॉस जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस इज प्रमोटिंग एट देयर एंड, आई शुड रादर से, कि जो भी ये फीस है दिस विल बी पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो वो खर्चा उठाती है आपका, ये सारा रहने का, मतलब आपको खाने पीने रहने का कोई खर्चा नहीं देना है, दिस विल बी कंप्लीटली पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट सेमेस्टर. तो देगी ही देगी, सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड उन्होंने कंडीशन लगा रखी कि अगर आप वहाँ ढंग से पढ़ रहे हैं तभी ये पैसा मिलेगा, जो कि देखा जाए बहुत अच्छी बात भी है. सो इफ यू हैव अ सीजीपी ऑफ 7.5, आप वहाँ पर पूरा फ्री पढ़ के आ सकते हैं. अगर 7.5 से कम है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है जी. मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर विच पीपल डू गो टू आईएएसटी इज एब्जॉर्प्शन इन इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डॉस. एब्जॉर्प्शन मतलब वहां पर सिलेक्शन होना, इसरो में सिलेक्शन होना. सो पहली बात, इसरो में आप काम करोगे, पहली क्राइटेरिया है कि आपका सीजीपी कितना होना है, 7.5 मिनिमम होना चाहिए 4 साल में लगातार. और दूसरी इंपॉर्टेंट है कि भैया वैकेंसीज भी खाली होनी चाहिए, बट आजकल ये क्राइटेरिया नहीं है क्योंकि जो इसरो है बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, तो वहाँ वैकेंसीज तो हैं ही हैं और ज़्यादा सिलेक्शन तो वैसे भी नहीं होता है. 150 लोग सिलेक्ट होते हैं और देखा जाए सिर्फ 120 ही बीटेक हो रहे थे, तो अगर 4 साल का कोर्स है तो 120 वैकेंसीज आजकल निकलती हैं इसरो में, बिकॉज दे आर वर्किंग ट्रमेंडसली वेल, ठीक है. पहले बहुत 2011-2012 में बात करते थे तो थोड़ा प्रॉब्लम होता था क्योंकि इसरो उस समय इतना फेमस नहीं था, बट नाउ इसरो का आप सबको पता है लेवल बहुत हाई हो चुका है, ठीक है. स्टूडेंट्स हु आर ऑफर्ड, नाउ प्लीज रीड दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो लोग इसको कहीं पॉजिटिव भी मानते हैं और कहीं नेगेटिव भी मानते हैं, मैं इसको हमेशा पॉजिटिव मानता हूँ. स्टूडेंट्स हु आर ऑफर्ड अ जॉब एट इसरो आर मैंडेटेड, सो मैंडेटेड वर्ड है कि आप जबरदस्ती है आपके साथ है, कुछ ऐसा समझ लो, टू सर्व एट इसरो. तो अगर आपको इसरो की तरफ से ऑफर आ जाता है, आपको मिनिमम 3 साल वहां पर काम करना ही पड़ेगा, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते. और जो कि देखा जाए बिल्कुल सही भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको खर्चे पे अपने पढ़ा रही है, और पता चलता है कि आप यूएस नासा भाग गए तो ये ब्रेन ड्रेन वाला काम हो गया ना, पढ़े आप इंडियन गवर्नमेंट के खर्चे पे, पर आप किस कंट्री के लिए काम कर रहे हो, यूएस के लिए. दैट डजेंट मेक सेंस. सो इन माई रिगार्ड वेरी वंडरफुल थिंग टू डू, बट स्टिल सिंस इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन इंडिया, आप एक्सेप्टेड ऑफर को डिनाई कर सकते हो, पर आपको 10 लाख रुपए का बॉन्ड देना पड़ेगा. जो बॉन्ड, वो सिक्योरिटी बॉन्ड जो होता है वो इस जो आईएएसटी भरवाता है, यू विल हैव टू पे 10 लाख रुपीज टू आईएएसटी इन लियो ऑफ दिस. बट आई वुड रादर से इफ यू आर गोइंग टू आईएएसटी,
ये मेरे ख्याल से किसी के दिमाग में आना नहीं चाहिए, बिकॉज यू देन आर स्पेसिफिकली गोइंग टू सर्व योर कंट्री ऑन अ स्पेस मिशन. ओके, कमिंग टू दी वाई वन शुड गो टू इसरो. एक तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत बड़ा सेल्फ अचीवमेंट वाली बात है कि दैट यू आर वर्किंग फॉर अ स्पेस ऑर्गेनाइजेशन. प्लस इसमें जो आपको सैलरी मिलता है, सैलरी कॉम्पोनेंट, वो किसी भी प्रकार से कम नहीं है. ठीक है, ये दिखा देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ 56,100. ठीक है, और ये गवर्नमेंट का जो पेइंग कमीशन का जो स्कीम जाता है उस हिसाब से बढ़ता रहेगा. ये इन हैंड सैलरी है, पहली बात, टोटल सैलरी नहीं है. इसके अलावा आपको हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जहां पर भी आप रहोगे वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज, लीव ट्रैवल कंपनसेशन, सब खाना, इनफैक्ट कई कैंपसेस जहां आपको रखेंगे नौकरियों के लिए, इसरो वगैरह, तो वो आपको फूडिंग तक फ्री होगा, लॉजिंग तो फ्री होगा ही होगा. तो अगर मैं जैसे कैंपसेस पे आते हैं, बीटेक कंपनी में, आईआईटीज में हम बात करते हैं, सीटीसी की बात होती है, कॉस्ट टू कंपनी. तो अगर मैं कॉस्ट टू कंपनी निकालता हूँ, तो कॉस्ट टू कंपनी यही पैकेज समथिंग विल बी नियर अराउंड 10 लाख. हो सकता है ज्यादा ही बन जाए, कम नहीं बनेगा इससे. तो 10 लाख का पैकेज होगा अगर आप इसरो में काम कर रहे हो. प्रो एंड प्लस अ ह्यूज सेटिस्फेक्शन दैट यू आर वर्किंग फॉर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंट्री इंडिया, राइट? सो अगेन 10 लाख प्लस अ ह्यूज सेटिस्फेक्शन इफ यू आर गोइंग फॉर दिस. ठीक है, तो किसी भी प्रकार से ये टेंशन नहीं होगी कि आपकी सैलरी कम होगी. और नोटिस करो, सैलरी हम जो आईआईटी का हवा मचा रखा है हम लोगों ने, वो सिर्फ 10 लाख रुपए की सैलरी सीएस ग्रेजुएट्स के लिए. अगर आप एक सिविल इंजीनियर भी हो ना आईआईटी से, तो अभी इस समय इतनी प्रॉब्लम हो रखी है कंट्री में कि सिविल इंजीनियर को नौकरी नहीं मिल रही है. 10 लाख का तो पैकेज छोड़ो, आप सिर्फ शायद 5 लाख रुपए पे बड़ी खुशी से नौकरी करने जाओगे, बिकॉज सारे बैच को नौकरी नहीं मिल रही होगी. सो इन इन दैट इफ यू वे कंपेयर, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन, राइट? इंपॉर्टेंट डेट्स, पहली बात, ऐसा मत खाली बैठे रहना कि आईएएसटी खुद तुम्हें कॉल करने वाला है. आपको ऑब्वियसली बात है एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा. जो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उन्हें ही कॉल आती है. एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल ऑन 22 मई 2018 टू 5 जून 2018, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है वेबसाइट पे. 2 मई को इनका क्या आएगा, खुद ये एक अपना ब्रोशर रिलीज करते हैं, दैट विल बी अवेलेबल ऑन सेकेंड ऑफ दिस कमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर. ठीक है, सो एट द एंड ऑफ द डे डू ज्वाइन आईएएसटी इफ यू हैव एनी फैंसी ऑफ वर्किंग फॉर स्पेस मिशंस, राइट? थोड़ा टाइम लगता है, देखो समझो इस बात को, बच्चे हो तुम लोग, कि 4 साल के बाद हो सकता है आपका दोस्त अगर एक आईआईटीएन है तो शायद वो 50-60 लाख रुपए, 30 लाख 20 लाख का पैकेज लेके बैठा हो, आपका शायद उतना ना हो, बट इन द लॉन्ग रन यू हैव अ ह्यूज सेटिस्फेक्शन दैट यू नो, जो स्काई फाई मूवीज में दिखाते हैं, हाउस्टन हाउस्टन कॉलिंग, यू माइट बी वर्किंग फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग, जो शायद एक आईआईटीएन या एक इंजीनियर नहीं कर पाए. ठीक है, तो डू कीप दैट इन माइंड एंड डिसाइडिंग वेदर यू शुड गो फॉर दिस पर्टिकुलर लवली कॉलेज और नॉट. जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, देयर स्टिल अ लॉट ऑफ ऑप्शंस ओपन फॉर यू. हम लोग फिर से आएंगे एक नया कॉलेज लेके, सो दैट वी कैन मोटिवेट यू दैट व्हाट आर द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल फॉर यू. डू सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड डू लाइक आर फेसबुक पेज इफ यू थिंक वी गाइज आर डूइंग अ ट्रमेंडस जॉब हियर. आई जस्ट रिक्वेस्ट यू, इफ यू कैन नॉट जस्ट रिव्यू लाइक, प्लीज प्रोवाइड अस रिव्यूज ऑल्सो. ठीक है, फेसबुक पेज पे जाके कुछ रिव्यूज भी दोगे तो हमारे लिए और अच्छा होगा, और मोटिवेशन हम लोगों के लिए मिलेगी. एंड टू एंड इट अप, दिस वीडियो इज अगेन इन लाइन अप विद मैथन गो विजन ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन. वी वॉन्ट क्वालिटी एजुकेशन शुड बी द राइट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट, एंड इन्फॉर्मेशन शुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? सो दैट वेन यू डिसाइड योर कैरियर, आपको ये बाद में रिपेंड ना करना पड़े, यार मुझे चीजें पता ही नहीं थी. फॉर एग्जाम्पल, आई डेंट नेवर न्यू ऑफ वट आईएससी इज ऑल अबाउट, बिकॉज मैं तो खैर एग्जिस्ट ही नहीं करता था 2007 में. मुझे भी ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत लेट पता चला आईएएसटी का 2010 में जाके, 3 साल बाद. सो आई जस्ट डोंट वॉन्ट दैट यू पीपल ऑल्सो कम इन द सेम सिनेरियो. ऑलराइट गाइस, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस, कीप वर्किंग हार्ड, एंड आई बिलीव दैट दिस ईयर मे बिकम वेरी प्रॉस्पेरस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग टू यू. गुड बाय, वेलकम बैक विद सीरीज 5.